पंजाब के पठानकोट से लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कांगड़ा पुलिस हाई अलर्ट पर है। एएसपी जिला कांगड़ा दिनेश कुमार ने कहा कि पठानकोट में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वही जिला कांगड़ा स्थित सैन्य क्षेत्रों के अधिकारियों से पुलिस प्रशासन सामंजस्य बिठाकर काम कर रहा है। यही नहीं, पोंग डैम की सुरक्षा में भी विस्तार किया गया है तथा वहां तैनात पुलिस स्टाफ को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। एएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि गत रात जैसे ही सूचना मिली कि पठानकोट में दो आतंकियों को भारी हथियारों की खेप सहित गिरफ्तार किया है, उसी के साथ जिला पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। सूचना मिलते ही जिला पुलिस ने पठानकोट के साथ लगते नूरपुर उपमंडल में लगाए गए नाकों में विस्तार कर दिया है। वही नाकों पर हथियारों सहित पुलिस बल तैनात किए गए हैं तथा नाइट पेट्रोलिंग में भी इजाफा किया गया है। जिला पुलिस की माने तो कोविड-19 के चलते पहले भी वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन पठानकोट में दो आतंकियों की गिरफ्तारी उपरांत इसमें और सख्ती अपनाई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नूरपुर उपमंडल में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को बिना पास प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कल हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो पंजाब का एरिया, पठानकोट का एरिया हमारे नूरपुर सब डिवीजन के साथ लगता है, तो पठानकोट के एरिए में दो आतंकवादी पकड़े गए हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए रात से ही हमने, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पुलिस है, तमाम पुलिस को हमने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। और हमारे जो नूरपुर सब डिवीजन का एरिया पंजाब के साथ लगता है, उसमें ऑलरेडी हमारे नाकाज लगे हुए हैं, उन नाकाज को हमने स्ट्रेंथन किया है और उनमें वेपन के साथ अब हमने लोग लगाए हुए हैं अपने, और नाइट पेट्रोलिंग को भी हमने इंटेंसिफाई किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी व्हीकल चेकिंग कोविड के सिलसिले में हो रही थी, उसको भी अब हमने इंटेंसिफाई कर दिया है, और कोई भी व्यक्ति जो बाहर की स्टेट से आ रहा है, उसको हम बिना पास से अपने एरिया में नूरपुर सब डिवीजन की तरफ से एंटर नहीं होने दे रहे हैं। और दूसरे भी जो हमारे सब डिवीजन है, उनके एरिया भी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ लग रहे हैं या दूसरी स्टेट के साथ जो लग रहे हैं, उनको भी हम बिना पास के एंट्री नहीं दे रहे हैं, जो लोग दूसरी स्टेट से बाहर से आ रहे हैं। जो हमारी ऑलरेडी जो हिज होलीनेस के साथ जो फोर्स लगी हुई है, उनको भी हमने इस चीज़ के बारे में, हमारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ हो गया है, और हमारे स्पेशली डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है, उनकी सिक्योरिटी को देखते हैं, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया गया है, और जो फोर्स वहां पे तैनात है उनके अंडर है, डीएसपी साहब के अंडर जो फोर्स है, उसको भी हमने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके साथ भी हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, और जो इनपुट अगर उनको कोई मिल रहा है तो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और हमें अगर कोई इनपुट मिल रहा है तो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा एक हमारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो है वो चल रही है, और हम आम जनता से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर उनको नजर आता है, तो वो तुरंत पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या नियरेस्ट पुलिस पोस्ट को सूचित करें, ताकि इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर हो रही होगी तो हमारी नॉलेज में आ जाए और हम समय रहते उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन और लीगल एक्शन ले सकें। उसको भी हमने स्ट्रेंथन किया हुआ है, पोंग डैम की जो सुरक्षा है, और वो भी हमारे साथ जो वहाँ पे फोर्स है वो हमारे साथ रेगुलर टच में है, और टाइम टू टाइम हम उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं।